और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो यार आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में बहुत ज्यादा कमाल का एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन तीनों स्मार्टफोनों को कंपेयर करने वाले हैं। यह है iPhone 13, iPhone 14 एंड iPhone 15। अब तीनों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है कि कौन सा आपको लेना चाहिए। सभी लोग भाई पूछ रहे हैं 13 लें, 14 लें या 15 लें। तीनों को कंपेयर करके देखेंगे कि किसकी गेमिंग परफॉर्मेंस सबसे तगड़ी निकल के आती है और आपके बजट में साथ ही साथ परफॉर्मेंस में कौन सा तगड़ा रहने वाला है। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से वीडियो को लाइक करो, और ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमको चैनल जल्दी से मिलने लेके जाना है भाई। तीनों स्मार्टफोन के अंदर एक साथ गेम को चालू कर लेते हैं। 3, 2, 1 एंड। देख सकते हो भाई रिजल्ट थोड़े से शॉकिंग आए हैं। 13 ने सबसे पहले गेम को चालू करा, उसके बाद 14 ने, एंड देन 15 ने सबसे आखिरी में भाई, जो सबसे लेटेस्ट फोन है वो सबसे एंड में गेम को चालू कर रहा है। ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो तीनों स्मार्टफोनों के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है, और जो तीनों की मैक सेटिंग्स है वो अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा की मिलती है। और वैसे HDR प्लस एक्सट्रीम पे तो सारे ही स्मार्टफोन गेम को चला देते हैं, बट मैक सेटिंग भी सिमिलर है। और बाकी हमने ना 2x एंटीनालाइजिंग को सब में ऑन करके खेलेंगे। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे कर लेते हैं सबसे पहले। स्टार्टिंग के मैच तीनों में हम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे रख रहे हैं, एंड मैंने 2x एंटीनालाइजिंग तीनों के अंदर इनेबल कर दिया है। तो अब देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस देने तीनों स्मार्टफोन। सबसे पहला जो मैच है वो आईफोन 13 के अंदर खेल के देखेंगे TDM का, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक्स सेटिंग्स पे, और 2x एंटीनालाइजिंग मैंने ऑन करी हुई है। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी, फिर आगे आगे फोनों के अंदर हम देखते रहेंगे, और स्मूथनेस का आपको साथ-साथ मैं बता ही दूंगा कि कैसी परफॉर्मेंस कौन सा स्मार्टफोन दे रहा है। सबसे पहले जायरोस्कोप की बात करें तो ऑल एक्टिव जायरोस्कोप सेंसर है, एकदम फास्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है जायरोस्कोप से रिलेटेड। स्पीकर्स भी बहुत ज्यादा लाउड है, क्योंकि डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं, लाउडनेस की कोई भी कमी नहीं होगी। परफॉर्मेंस और देख लेते हैं। सबसे पहला मैच हमने कंप्लीट कर लिया इसके अंदर TDM का, और स्मूथनेस वगैरह तो एकदम भर भर के इसके अंदर देखने को मिला। जायरोस्कोप सेंसर भी एक्टिव था, स्पीकर्स भी काफी लाउड थे, कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी लॉबी कमजोर आई थी, बिकॉज भाई तीन स्मार्टफोन हो गए तो तीन आइडिया मेरे पास नहीं है हाई टीयर वाली, तो उस वजह से। लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो एकदम अच्छी चली है। वैसे TDM के मैच के अंदर उतना ज्यादा ड्रॉप हमको देखने को मिलता भी नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर रहे हैं आईफोन 14 के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, सेम सेटिंग्स रख रहे हैं, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली ही, और 2x एंटी एनालाइजिंग भी ऑन रखेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर कैसी परफॉर्मेंस रहेगी आईफोन 13 के मुकाबले में। जो जायरोस्कोप सेंसर है वो इसके अंदर भी प्रॉपरली एक्टिव है, एंड जो थोड़ा सा लाउडनेस है ना वो आईफोन 13 के मुकाबले में इसके अंदर हमको ज्यादा मिल रही है स्मूथनेस। बाकी अभी मैं आपको बताता हूं। इतना मारने के बाद भी हार गए।
तो आईफोन 14 के अंदर भी हमने मैच कंप्लीट कर लिया है, ये थोड़ा थोड़ा सा हाथ में पकड़ने में वार्म हो गया है, बट परफॉर्मेंस इसके अंदर भी काफी ज्यादा तगड़ी रही है। आईफोन 13 और 14 में ऐसा कुछ बड़ा हमको ड्रॉप नहीं देखने को मिला और ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस लगी है मेरे को दोनों की अभी तक तो। लेकिन स्पीकर जो है ना थोड़े से एक्स्ट्रा लाउड हमको आईफोन 14 के अंदर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो फिलहाल नेक्स्ट मैच हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आईफोन 15 के अंदर करके देख रहे हैं, सेटिंग इसके अंदर भी सेम रहने वाली है। इसके अंदर भी जायरोस्कोप सेंसर देखो सबसे ज्यादा प्रॉपर एक्टिव इसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है, मतलब डिले किसी के अंदर भी नहीं है पर सबसे ज्यादा फास्ट इसके अंदर है। और जो इसका डिस्प्ले है ना वो उन दोनों के मुकाबले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राइट है। आईफोन 15 के अंदर भी मैच कंप्लीट कर लिया और सबसे ज्यादा जो हीट हुआ है ना पहले ही टीडीएम के मैच के अंदर वो आईफोन 15 ही हुआ है। हल्का सा ब्राइटनेस ड्रॉप इसके अंदर हमको देखने को मिला, वो ऐसा झटके से ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करी, थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने ना ब्राइटनेस को कम कर लिया है। ऑटो ब्राइटनेस के लिए काफी सारे लोग बोलेंगे तो ऑटो ब्राइटनेस मैंने तीनों के अंदर से ऑफ कर ली थी पहले ही ताकि अपने आप ब्राइटनेस कम वगैरह ना हो, बट जो परफॉर्मेंस है उससे रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं है, स्मूथनेस काफी ज्यादा रही है, स्पीकर्स भी काफी ज्यादा लाउड है इसके और डिस्प्ले है ना वो इन दोनों से थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा ब्राइट हमको आईफोन 15 के अंदर मिल रहा है। बैटरी की बात करें तो आईफोन 13 के अंदर 89 है, 14 के अंदर 94 एंड 15 के अंदर 87 है। सबसे ज्यादा ड्रॉप ना आईफोन 15 के अंदर देखने को मिला है एक टीडीएम के बाद, जबकि भाई जो आईफोन 13 है थोड़ा सा पुराना भी हो गया, इसको मैं यूज कर चुका हूं और 100% बैटरी हेल्थ पे नहीं है। तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग रहा होगा जो 13 की बैटरी है ना वो ज्यादा तगड़ी रहती है कंपेयर टू आईफोन 15 के मुकाबले में भी। टीडीएम के मैच सब हमने खेल के देख लिए, अब बात आती है भाई इरेंगल के मैच की। तो अब क्लासिक के मैच हम ट्राई करने वाले हैं, तीनों के अंदर जो सेटिंग्स है वही रखने वाले, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली, 2x एंटी एनालाइजिंग ऑन रहेगी। सबसे पहले आईफोन 13 के अंदर इरेंगल का मैच स्टार्ट कर रहे हैं, जंप करते हैं, चेकआउट करते हैं भाई। देखो कोई भी ड्रॉप नहीं देखने को मिला, अभी मस्त जंप हो गई है। पहले लड़ लो ना, रिवाइव मत दो, एक बार इसका टेम्परेचर देख लेते हैं हम इस वाले क्लासिक के मैच का, कितना पहुंच गया मैक्स। फ्रंट से 34 डिग्री तक पहुंचा है, बैक से भी ऑलमोस्ट 33.7 है, ऑलमोस्ट 34 डिग्री तक पहुंच ही रहा है और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री के करीब चल रहा है। तो ये वाला फोन तो ज्यादा हीट नहीं हुआ भाई, बिल्कुल भी हीटिंग वगैरह इसके अंदर देखने को नहीं मिली है। आईफोन 13 के अंदर भी हमने अपना सेकंड मैच कंप्लीट कर लिया जो कि इरेंगल का था। यहाँ पर जंप करते हुए ना कोई भी ड्रॉप्स वगैरह हमको देखने को नहीं मिले, बस ये है कि जब हमने एंड की थोड़ी सी फाइट ली थी ना, मतलब जब थोड़े से कम बंदे बच रहे होते हैं और सर्कल थोड़ा सा छोटा होता है या फिर एक साथ आप चार बंदों पे घुस रहे हो तो वहाँ पे माइनर माइनर से ड्रॉप आपको देखने को मिल सकते हैं 5 से 10 FPS वाले, लेकिन अपने मैच के अंदर प्रॉपरली स्मूथ चला था विदाउट एनी ड्रॉप्स के, 60 FPS मस्त मेंटेन करके चलाया इसने। हीटिंग भी मैंने इसकी चेकआउट करी, 34 डिग्री से ज्यादा नहीं पहुंचा है भाई, और अभी सर्दियों का टाइम भी आ गया तो अभी स्मार्टफोन ज्यादा हीट नहीं होंगे, तो हीटिंग में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा किस तरीके से हीटिंग मिल रही है इस वाले स्मार्टफोन में। बाकी जो अपना नेक्स्ट मैच हम स्टार्ट कर रहे हैं आईफोन 14 के अंदर कर रहे हैं, सेम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक्स सेटिंग्स पे, सेम इरेंगल का मैच, इसमें भी जंप करते हैं भाई। लो कोई भी ड्रॉप इसके अंदर भी देखने को नहीं मिला, मस्त लैंडिंग हो गई है स्मूथ।
अबे यार कोई गन चेंज नहीं हुई। तो आईफोन 14 के अंदर भी मैच हमने कंप्लीट कर लिया है, जंप वगैरह करते में कोई भी ड्रॉप नहीं था, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना वो आईफोन 13 के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथनेस के साथ हमको इसके अंदर देखने को मिली। वैसे माइनर से ड्रॉप भी इसके अंदर देखने को नहीं मिले, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पे इसके अंदर हमको चलती हुई मिली है। बाकी जो टेम्परेचर है ना वो भी इस वाले का 35 डिग्री तक पहुंचा है, आईफोन 13 के मुकाबले में 1 डिग्री ज़्यादा हुआ है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है। बाकी अपना जो लास्ट मैच हम करके देख रहे हैं ना वो आईफोन 15 के अंदर कर रहे हैं, इसके अंदर भी सेम एंगल का मैच सेम ग्राफिक सेटिंग्स पे स्टार्ट कर लेते हैं। इसका भी एक बार टेम्परेचर देख लेते हैं कितना पहुंच गया। ये भी 34 डिग्री के करीब चल रहा है फ्रंट से, एंड बैक से 35.4 चल रहा है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो वही 26.6 के करीब चल रहा है। चलो भाई इसमें भी देख लेते हैं जंप करते में, चलो जंप करते में देखते हैं। लो भाई ये सबसे ज़्यादा स्मूथनेस के साथ लैंड हुआ है, कोई भी ड्रॉप किसी के अंदर भी नहीं मिला अभी तक। तो आ गए क्या? गाड़ी फोड़ दी बड़ी जल्दी। इसका भी लास्टली टेम्परेचर चेक कर लेते हैं कितना पहुंचा। 36.2 के करीब चल रहा है फ्रंट से, एंड 38.5 चल रहा है बैक से, ऑलमोस्ट 39 डिग्री तक पहुंच गए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वही 26.9 के करीब चल रहा है। तो सबसे ज्यादा हीट ना आईफोन 15 हुआ है अभी। बाकी 1 घंटा 19 मिनट हमको गेमिंग करते हो गए हैं, तो यहीं पे हम स्टॉपवॉच को स्टॉप करके फेंक देते हैं कोने में। अभी तीनों की होम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तीनों की बैटरी की बात करें तो आईफोन 13 में 70% बैटरी, आईफोन 14 में 78% बैटरी, और आईफोन 15 में 65% बैटरी। सबसे कम आईफोन 15 के अंदर बैटरी बची हुई है। सभी की बैटरी हेल्थ में दिखाऊं तो देखो इन दोनों की तो 100% है, लेकिन जो अपना आईफोन 13 है ना ये 87 तक ड्रॉप हो चुका है, क्योंकि इसको मैं 2 साल से भाई यूज भी कर रहा हूं एज अ पर्सनल डिवाइस। तो भाई उसके बाद भी जितनी बैटरी हेल्थ कम होने के बाद भी आईफोन 15 के मुकाबले में यहाँ पे बैटरी आईफोन 13 की चली है। आईफोन 13 ने 30% बैटरी ड्रॉप करी है 1 घंटा 20 मिनट की गेमिंग के बाद, आईफोन 14 ने करी है 23% बैटरी ड्रॉप 1 घंटा 20 मिनट की गेमिंग के बाद, और आईफोन 15 में भाई सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ है 35% का। तो भाई सभी की परफॉर्मेंस आपने देखी हुई कैसी कैसी चली है, सभी की बैटरी ड्रॉप वगैरह मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा ड्रॉप आईफोन 15 कर रहा है, और हीटिंग भी सबसे ज्यादा आईफोन 15 के अंदर ही देखने को मिली है। जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी कुछ खास कमाल ऐसा मेरे को नहीं लगा है। कंपेयर करें अगर आईफोन 14 की परफॉर्मेंस से और आईफोन 15 की परफॉर्मेंस में, तो बिल्कुल भी मेरे को ऐसा कुछ ज्यादा तगड़ा डिफरेंस नहीं लगा है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। थोड़ी ज्यादा स्मूथनेस कहते हैं आईफोन 15 के अंदर चलती है, बट ओवरऑल ना ऑलमोस्ट सिमिलर थी गेमिंग परफॉर्मेंस करा के देते हैं दोनों स्मार्टफोन। लेकिन बात करें फाइनल कंक्लूजन की कि आपको इन सब में से कौन सा लेना चाहिए बेस्ट है जो कि गेमिंग के अंदर भी, तो मेरी जो चॉइस रहने वाली है ना वो आईफोन 14 रहने वाला है, बिकॉज इसका जो प्राइस है ना भाई वो 56,000 रुपीज में मिल रहा है। 13 के साथ जाने के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन 51,000 रुपीज में, 4,000-5,000 रुपए और मिलाओगे तो आपका आईफोन 14 आ जाएगा, जो कि भाई थोड़ा सा एक जनरेशन लेटेस्ट वाला भी हो जाएगा कंपेयर टू आईफोन 13। परफॉर्मेंस भी इसके अंदर सबसे ज्यादा तगड़ी मेरे को देखने को मिली है तीनों स्मार्टफोनों में से, हीट भी सबसे ज्यादा कम हुआ है, और प्राइस के अकॉर्डिंग भी देखा है तो सारी चीजें इसके अंदर मस्त बैलेंस करके दी हुई है। तो आईफोन 14 को ही आज की वीडियो का हम विनर रखने वाले हैं। आईफोन 15 को विनर इसलिए नहीं रखा क्योंकि भाई इसके अंदर थोड़े से हीटिंग इशू हमको देखने को मिलते हैं अभी, और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कमाल की नहीं है। ब्राइटनेस वगैरह ड्रॉप इसके अंदर भी हमको देखने को मिलता ही है, वैसे ब्राइटनेस ड्रॉप तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर मिलता है। अभी ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करा क्योंकि जो टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन था कमरे का, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दियों का टाइम आ गया ना, तो बहुत ज्यादा हीट नहीं हुए हैं सारे स्मार्टफोन। वैसे
वैसे जो ब्राइटनेस ड्रॉप है तीनों के अंदर देखने को मिल जाती है अगर आप मैक्स सेटिंग्स पे गेमिंग परफॉर्मेंस करोगे तो। भाई प्राइस परफॉर्मेंस और जो सबसे ज्यादा बेटर डील है वो आईफोन 14 निकल के आता है आज की वीडियो का विनर। आप इस वाले को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। अगर इन तीनों में से आप कंफ्यूज थे तो भाई आईफोन 14 के साथ जरूर से जाना, 15 में इतना पैसा मत लगाना। अगर आपका थोड़ा एकदम बिल्कुल टाइट बजट है ना 51,000 रुपीस का ही, आप थोड़ा सा भी बजट नहीं बढ़ा सकते हो तो मैं आपको बोलूंगा 13 भी ले सकते हो। बाकी यार आज वाली वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूं आपकी कंफ्यूजन इन तीनों स्मार्टफोनों में से क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन अभी भी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन वाली वीडियोस को बनाने के अंदर और बहुत ज्यादा पैसा भी लग जाता है साथ ही साथ, तो जरूर से लाइक करना भाई। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, 1 मिलियन चैनल को लेके जाना हमको, फटाफट सब्सक्राइब मारो। बाकी यार आज वाली वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे एक और कमाल की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।